कृषि अध्यादेशों को जहां विपक्ष किसानों का विरोधी बता रहा है, वहीं भाजपा सरकार इसे किसानों के लिए लाभदायक बता रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से करनाल के प्रेम प्लाजा में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए 3 अध्यादेशों के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूदा विधायक एवं पूर्व विधायक के साथ साथ स्थानीय बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री चौधरी वेदपाल ने कहा कि जो कृषि अध्यादेश जारी किए गए हैं वह किसान विरोधी नहीं है बल्कि किसानों के हित में है। इससे किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन विपक्ष किसानों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। जबकि किसानों में भ्रम पैदा करने वाले ही किसानों के सही मायने में विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। वह इस तरह के ऊंचे कदम उठा रहे हैं और किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी किसानों को गुमराह नहीं होने देगी और जिला स्तर पर सेमिनार व मीटिंग आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ना तो मंडी समाप्त होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसानों की पैदावार की खरीद होगी। इस अवसर पर महामंत्री वेदपाल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज द्वारा राहुल गांधी को हरियाणा में नहीं घुसने देने के बयान का वह समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी हरियाणा के किसानों को भड़काने नहीं दिया जाएगा और राहुल गांधी द्वारा जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी उसको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, एमएलए राम कुमार कश्यप, पूर्व विधायक कबीर दास पंती, सुनील गोयल, संजय भटला मौजूद रहे। उसकी रेट से कम नहीं लेंगे? तो उस पे सरकार कार्रवाई करेगी। ये जो तीसरा अध्यादेश है वो इसी बात पे रोक लगाता है, अगर इस प्रकार रेट बढ़ते हैं तो वो उस पर कार्रवाई का अधिकार हो जाएगा, उसके खिलाफ व्यापारी में भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी। उन परिस्थितियों में आपातकाल हो, रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कोई युद्ध की स्थिति हो, बिल्कुल कार्रवाई होगी दोनों। मैं आपके माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो थोड़ी सी बीच में खरीद में गड़बड़ हुई कुछ हड़ताल की वजह से, वो वास्तव में गलत है, क्योंकि किसान की फसल जब मंडी में आती है और वो ना बिके तो दर्द होता है। लेकिन पूरी सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता से खरीद शुरू करा दी गई है और मुझे लगता है एक और दो दिन में सारी मंडी व्यवस्थित हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। देखिए, अगर लाइन ऑर्डर खराब होता होगा और उससे माहौल खराब होता होगा, किसानों की फसल खेत में से कट रही है, वो मंडी में आ रही है, और ऐसे में अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल भी आने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। ये हमारे गृह मंत्री जी ने भी कहा है और ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट किया। देखिए, मुझे आप ये बताइए कि केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपया लगभग हरियाणा को दे रही है जीरी खरीदने के लिए, राहुल गांधी जी क्या लेकर के आए हैं? स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2008 में आ गई थी, उन्होंने 6 साल के दबा के रखी। उनके जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा जी, वो 2010 में रिपोर्ट दे चुके हैं, उस पर 4 साल क्यों नहीं किया? वो यहाँ केवल राजनीति करने के लिए आ रहे हैं, अगर करना था तो तब करते। अब 13,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार दे रही है जीरी खरीदो, पंजाब को 30,000 करोड़ दे रही है, इसलिए किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। और किसानों पर हम राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो दिन रात मेहनत करके अनाज पैदा करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मंडियों में खरीद तो शुरू हो गई है, कुछ दिखते आ रही हैं और ये शुरुआती में हर बार आती भी हैं, लेकिन मुझे लगता है अब की बार कोई ऐसा व्यवस्था बन जाएगी कि आगे से ये समस्या ना आए। देखिए, मैं तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पिछले 20 दिन से इसी काम पर लगा हुआ हूँ कि झूठ की जीत नहीं होने देंगे, सच को हारने नहीं देंगे, सच ही जीतेगा। ये किसानों की आज़ादी है, किसान यूनियन, किसान नेता जो मांग रखते थे किसान अपनी मर्जी से कहीं मर्जी बेचे, वो बड़ी मुश्किल से एक कानून आया है। मंडी एज इट इज रहेगी, MSP एज इट इज रहेगा, MSP को केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग तय करता है,
वो 1967 से काम कर रहा है, वो ऐसे ही काम करता रहेगा, उससे कोई छेड़खानी नहीं की गई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।